सभी को नमस्कार। पापा खो गए, इसका सारांश कर रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी एनसीईआरटी की बुक के लिए। तो यह एकांकी श्री विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को बताया गया है या दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? अपहरण की जो वारदात बढ़ रही हैं उन्हें दिखाया गया है। साथ ही निर्जीव वस्तुओं की जो पीड़ा है, निर्जीव वस्तुएं वह होती हैं जिनमें जान नहीं होती है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े हुए जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें किया करते थे, यानी दिन भर जो देखा उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है और उसका तो जन्म ही स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क पर बने खंभे को उसके पास लाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंभे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर के संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से मना करते हैं। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं और छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सबकी बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है और सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देख करके सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करने लगती है। लेटर बॉक्स से यह देख कर रहा नहीं जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात करना शुरू कर देता है। उसके मन का दर्द दूर करने का प्रयास करता है। उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है बच्चों, लड़कियों में लोगों के साथ घुल मिल जाती है। लड़की जो है उनके साथ घुल मिल जाती है और सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चा उठाने वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है। सभी वस्तुएँ अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। कौवा कहता है कि पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार खड़े हो जाएं
जिससे कि लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंभा टेढ़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ है। कौवा काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल बटन भी प्रेस करना होता है जिससे सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।